नमस्कार। तो न्यूज वर्ल्ड इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है कि यूपी एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी विधानसभा की जो दरअसल सीएम साहब के बड़ा करीब है, सीएम साहब के क्षेत्र के आसपास है। तो ऐसे में आज बात होगी गोरखपुर विधानसभा की। 403 विधानसभाओं का रोजाना हम नए नए तरीके से मूल्यांकन कर रहे हैं। आज एक बार फिर हम आपके सामने है गोरखपुर विधानसभा के साथ। तो गोरखपुर सदर विधानसभा का हाल क्या है, इसको जानेंगे और समझेंगे। यहां की सबसे विचित्र तस्वीर यह है कि बीते चार टर्म से, चार कार्यकाल से एक ही बीजेपी से विधायक है। नाम है राधा मोहन दास अग्रवाल। तो अग्रवाल साहब यहां से बीते चार बार से विधायक हैं, 2002 से लगातार विधायक हैं, और इससे पहले जो विधायक थे वो लगातार तीन बार के विधायक थे। तो गोरखपुर सदर की जो जनता है वो दरअसल बार बार विधायकों को चेंज करने में यकीन नहीं रखती, एक्सपेरिमेंट करने में यकीन नहीं रखती। ये इसी बात से साबित हो जाता है कि 2002 से लेकर आज तक राधा मोहन दास साहब ही विधायक हैं। उनके कामकाज पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं कि गोरखपुर विधानसभा की तस्वीरें क्या कुछ है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, क्या कुछ हाल है तस्वीरों का। जिला पंचायत गोरखपुर की तस्वीर देख रहे हैं आप, जो दरवाजा है वहां की, और साथ ही साथ और भी कुछ तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप थोड़ा सा उस माहौल में ढल जाएं कि आखिर गोरखपुर विधानसभा है कैसा। तो आपको डिजिटल रूप से गोरखपुर विधानसभा के दर्शन करवा रहे हैं, इसको देखिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर विधायक जी के कामकाज का क्या हाल है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ कुछ आम लोग जुड़ेंगे जो उस विधानसभा के निवासी हैं, और वो हमारे साथ बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर विधानसभा में जो दावे और जो वादे किए गए थे क्या वो पूरे हुए, इसको लेकर चर्चा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि गोरखपुर विधानसभा के विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल जी, दरअसल इनका विवादों से बड़ा पुराना नाता है। चार साल पहले लेडी सिंघम, उनको रुला दिया था इन्होंने। इसके बाद रवि किशन एमपी सांसद, उन्होंने भी इनको हटाने की मांग की थी। तो विवादों से काफी घिरे रहते हैं, समय समय पर गुस्सा भी इनका नजर आता रहता है पब्लिक में, लेकिन सबको भी चर्चा में शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राधा मोहन दास जहां से विधायक हैं गोरखपुर सदर, वहां पर जल जमाव, जाम और जमीन, सड़क, ये मुख्य समस्याओं में से एक है जो कि मुद्दा है। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ आम लोग जुड़ेंगे, उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। राजन चौधरी साहब हैं जो कि गोरखपुर विधानसभा के निवासी हैं, साथ ही साथ शिवशंकर गौड़ जी हैं जो कि गोरखपुर विधानसभा के निवासी हैं। सबसे पहले तो मैं आप पर आना चाहूंगा राजन जी, 2017 में जो वादे और जो दावे किए गए थे बीजेपी की ओर से, और एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार भी बनी उत्तर प्रदेश में, ऐसे में गोरखपुर क्योंकि सीएम का बहुत करीबी मामला है, ऐसे में इस विधानसभा को क्या कुछ मिला? क्या जो वादे और दावे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, वो पूरे हुए? जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, यहाँ के जो दावे थे वो हवाई ही सपने साबित हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के वजह से यहाँ पर के अफसरों ने काफी ध्यान दिया, लेकिन जो पूरा ध्यान दिया वो सिर्फ जो है मंदिर के पास, मंदिर के आसपास के रास्ते चौड़े किए गए, मंदिर के पास विकास किया गया, और पूरा एरिया, पूरा गोरखपुर जो अभी भी उसी तरह जल जमाव, टूटी हुई सड़कें और तमाम समस्याओं से अभी भी ग्रसित है। जाम की जो समस्या है वो यहाँ के लिए बहुत बड़ी एक मतलब कोड़ समझ लीजिए, कोड़ है शहर के लिए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देखे माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप और अपने तरफ से जितने भी रास्ते हैं, मंदिर के रास्ते हो गए या चारों तरफ से, भाई उन्होंने काफी चीजें दी, बहुत कुछ विकास का काम किया, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी भी समस्याओं से हम लोग दो चार होते रहते हैं। सोमवार को आम आदमी जो है सोमवार को किसी हाल में घर से निकलना नहीं चाहता है कि घर से निकलूंगा तो फिर जाम में फंसूंगा, किसी भी काम को लेकर के जो है परेशान ही रहूंगा। लेकिन इस समस्याओं पे कोई वो नहीं जाता जी। ठीक है राजन जी, ये चीज समझ में आती है, लेकिन बीते बताया गया कि चार बार से लगातार विधायक हैं, तो बार बार अगर विधायक बन रहे हैं तो कोई ना कोई तो इसमें राधा मोहन दास जी में कोई ना कोई तो करिश्मा होगा। नहीं नहीं, उनके जो है जमीनी नेता है, वो लड़ करके हुए हैं, लेकिन जब उनके पास जो सत्ता आ गई और जब से वो विधायक हो गए तब से वो वादे ही किए, वादे करने के बाद उन्होंने कोई काम नहीं किया। आप टूटी सड़कें देख लीजिए, आप आकर के जो है मतलब यहाँ का जाम देख लीजिए, सारी चीजें जस की तस है। जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर के आते जस से तस है, बस जनसंख्या बढ़ी और सड़कें टूटती गई। जल जमाव की समस्या इतनी बड़ी है कि क्या कहा जाए। इस बार की बारिश में तो मतलब मान के चलिए आधा शहर डूब गया था। ठीक है, शिवशंकर गौड़ साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी सब कुछ सुन रहे हैं।
शिवशंकर साहब, जो राजन चौधरी साहब कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? जी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस विधानसभा में? अगर मैं अलग पैमानों पर बात करूं तो, शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, क्या कहना चाहेंगे आप? फिर से कहिए। मैंने कहा कि मैं शिक्षा की बात करूं, स्वास्थ्य की बात करूं, इन पैमानों पर हम आंकते हैं गोरखपुर विधानसभा को, तो क्या हाल है? मैं आवाज आपके सामने। शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पैमानों पर गोरखपुर विधानसभा देखिए, पूरी तरीके से शिक्षा और स्वास्थ्य का बुरा हाल है, पूरी तरीके से। जी थोड़ा सा एलाबोरेट करिए कि किस तरह से, मतलब शिक्षा के लिए देखिए, पूरी तरीके से शहर में मेडिकल कॉलेज है, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, आज तक उसके भी हमें क्यों पॉइंट, शिक्षा को लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए सरकार का, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई। विश्वविद्यालय है एक नहीं दो, एक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, एक दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, उसमें लगातार विद्यार्थियों की समस्या लगी रही, छात्रावासों की समस्या लगी रही, छात्रवृत्ति की समस्या लगी रही। अभी लगातार विगत 6 महीनों से विद्यार्थी सड़कों पर लड़ रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है और विधायक जी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, कोई देख रेख नहीं है इस पे। कुलपति का मनमाना व्यवस्था चल रहा है, एक प्रोफेसर को जबरन निलंबित कर दिया जाता है क्योंकि जब वो न्याय की बात करते हैं तो, और सारे शिक्षक उनके साथ आ गए, विद्यार्थी भी उनके साथ है, आखिर कहीं ना कहीं व्यवस्था पूरी व्यवस्था चौपट है ना, कोई काम नहीं। और दूसरी तरफ जब स्वास्थ्य की आप बात करेंगे, बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर गुंडई करते हैं, जो किसी भी परिजन को मारने का काम करते हैं जरा सा भी बात करने पर, आप समझिए कि कितनी बड़ी व्यवस्था है। जल जमाव की एक अलग समस्या है, जाम की एक अलग समस्या है जिसपे कोई देख नहीं सकता, इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं शहर में। अभी रोड डाइवर्जन के नाम पे कहा गया, चलिए ठीक है, तो शायद कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, एक बार फिर जोड़ेगा, फिर आगे इनकी बात जो रख रहे थे वो बात रखेंगे, ठीक है। लेकिन राजन चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन चौधरी साहब, कॉलेज का कोई मसला बता रहे थे, ये थोड़ा सा गंभीर विषय लगा मुझे, क्या मसला है ये कॉलेज का? जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक हिंदी के प्रोफेसर हैं, उनको जबरन निलंबित कर दिया गया, उन्होंने सत्याग्रह के तौर पे बच्चों को जो है पढ़ाना, पार्क में ही पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने विश्वविद्यालय की अनियमितताओं पर उन्होंने आवाज उठाई थी, जैसा खामियाजा उनको निलंबन कर लेकर के भुगतना पड़ा है। इस बात का संज्ञान विधायक जी को है? विधायक जी को संज्ञान तो भाई लोकल मुद्दा है, विधायक जी को सारा संज्ञान में होगा, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी बात उस पर ना की है, ना ही उस पर कोई पहल की है, मतलब हस्तक्षेप नहीं किया विधायक ने किसी भी तरह से? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं है। ठीक है, और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य, क्योंकि हम लोग कोविड काल से अभी अभी दूसरी लहर से निकले हैं, तीसरी लहर बिल्कुल दरवाजों पर है, तो ऐसे में दूसरे, अगर दूसरी लहर की बात करूं, जो दूसरा फेज था कोविड का, अप्रैल में जून के आसपास की बात करूं, कैसे गोरखपुर सदर ने कैसे लड़ाई लड़ी है स्वास्थ्य के क्षेत्र में? अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा मैं कहूंगा कि जितनी मौतें हुई और जितनी मौतें दिखाई गई उसमें बहुत अंतर है। ऑक्सीजन की कमी, इतनी ऑक्सीजन की कमी की वजह से इतनी मौतें हुई हैं कि क्या बताया जाए, और यहाँ ये दिखाया गया कि ऑक्सीजन पूरा पर्याप्त मात्रा में रहा। मैंने अपने जानने वालों को देखा था कि किस तरह से वहाँ गीडा के ऑक्सीजन प्लांट में तीन तीन दिन लाइन लगा करके तब उनको एक सिलेंडर मिलता था, और उसके बाद भी यहाँ पे कहना है इन लोगों का। और उस समय विधायक जी का कोई भी काम नहीं था, विधायक जी कहीं नहीं दिखे थे, कोई नहीं दिखा था, और उसका आम आदमी सड़कों पर पड़ रहा था, और जो निजी अस्पताल जो लूट कर रहे थे वो अलग था। ठीक है, तो मतलब विधायक जी उस वक्त नजर नहीं आ रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी ठीक है। एक और पैमाना है उस पर भी बात करते हैं कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें, जैसे बिजली की बात करूं या पानी की बात करूं, तो इन चीजों, ये चीजें दुरुस्त हैं? जी, बिजली की व्यवस्था इस समय बहुत अच्छी है, पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। ठीक है, और कई जगहों पर मैं देखता हूँ, कई विधानसभाओं पर मांग होती है कि बाईपास की मांग होती है, या फिर कोई ओवरब्रिज की मांग होती है, कोई रेलवे क्रॉसिंग है तो वहां पर ओवरब्रिज की मांग होती है, तो ऐसी कोई समस्या है वहां पर गोरखपुर विधानसभा में? यहाँ पे कई समस्याएं अभी भी लोग हम लोग जूझ रहे हैं। अभी दो तीन बड़ी समस्याएं थी जिसको विधायक जी और रेलवे ने मिल करके सॉल्व की, लेकिन उसको भी सॉल्व करने में इन्होंने इतना समय लगा दिया कि इनको दो बार और विधायक बनना पड़ा। गंदगी तस्वीरों में देख रहा हूँ कि गंदगी भी दिख रही है जगह जगह पर। भाई मोदी जी का आने के पहले मोदी जी के वहाँ PMO से एक मतलब अफसरों का आदेश आया था कि जब तक मोदी जी आते हैं तब तक पूरा शहर साफ कर दिया जाए। अच्छा, मोदी जी आए तब शहर साफ कर दिया गया।
जी साफ कर दिया जाए और उसको उठा, मतलब जितने कूड़े थे कहीं दूर नहीं, शहर के आसपास के ही गड्ढों में ले आकर के डाल दिए गए। शहर तो साफ हुआ लेकिन अगल बगल के हिस्सों में वही बीमारी और वही गंदगी हर जगह दिखती रही। ठीक है, चलिए शिवशंकर गौड़ जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए, उस वक्त शायद कनेक्शन टूट गया था। शिवशंकर साहब आप कुछ बात रख रहे थे, उस बात को पहले तो कंप्लीट कीजिए। जी देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जिस प्रकार से होना चाहिए, जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों की जिम्मेदारी बनती है। विगत कई महीनों से गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्री पीएचडी के आंदोलन चल रहे हैं, मेस और छात्रावास की समस्याओं को लेकर आंदोलन चल रहा है। एक प्रोफेसर है डॉक्टर कमलेश कुमार गुप्त जी, वो लगातार विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारी कुलपति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। कोई जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हो, आदरणीय विधायक जी हो, माननीय मुख्यमंत्री का जनपद है, कोई पूछने वाला नहीं है। तमाम छात्र नेताओं ने आंदोलन किया, तमाम छात्र नेताओं ने अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए, आपको ये बताऊं गोरखपुर विश्वविद्यालय पूर्वांचल में गरीबों का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, लेकिन इतना मिस के फीस के नाम पे उनका आर्थिक उत्पीड़न और शोषण कर रही है विश्वविद्यालय प्रशासन और कुलपति जी के द्वारा, उस पर आंदोलन चला लेकिन कोई प्रतिनिधि पूछने वाला नहीं है। दूसरा, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में जिस प्रकार से वहां के परिजनों में वहां मारपीट किया जाता है, डॉक्टर द्वारा अभद्रता की जाती है, ये शुरुआती दौर से अभी भी चल रहा है, कोई रोक टोक नहीं। कोरोना काल में दवाओं का काला बाजारी हुआ, ऑक्सीजन को काला बाजारी में बेचा गया, रेमडेसिविर काला बाजारी में बेचा गया, ये सारी चीजें हुई, कोई जनप्रतिनिधि बोलने को तैयार नहीं, कोई जनप्रतिनिधि देखने को तैयार नहीं। अच्छा, नगर निगम अगर अभी के नाम बात करूं, क्योंकि बिल्कुल चुनाव जो है बिल्कुल सर पर है, तो ऐसे में अभी माहौल क्या है, विधायक जी का इलाके में क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल समझ रहे हो? देखिए, पूरे विधायक जी और पूरे भाजपा का माहौल खराब है, मैं आपको बताऊं। केवल चार बार से विधायक हैं, थोड़ा सा मैं बताऊं, दिवाली तक सोच समझ कर बोलना पड़ता है कि पिछले चार बार से लगातार विधायक हैं, कुछ तो एक्स फैक्टर होगा। अब देखिए, अब वो जनता सारे मतदाताओं की विचार नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, ठीक है ना, जनता भ्रमित होती रहती है। आपको बताऊं, सारी इलाके में 2002 से आज सारी इलाके में, हाँ नहीं, 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 तो बात है। आप इस बात को समझ, आप इस बात को समझ नहीं, चार बार जनता नहीं हुई, आप जो अपने हिसाब से, जनता नहीं समझ पाई ना कि दिवाली तक, अभी दिवाली तक जल जमाव में गोरखपुर डूबा रहा, ये जनता नहीं समझ रही है। जनता को विकल्प अच्छे मिल जाएंगे, जनता को अच्छा विकल्प मिलेगा, वो बिल्कुल बदल देगी। ठीक है, विकल्प के नाम पर क्या, जनता को विकल्प मिलेगा पर क्या नजर आ रहा है गोरखपुर? हो सकता है नहीं, बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे होंगे जो विकल्प के रूप में आएंगे, हो सकता है परिवर्तन हो जाए। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा समझाइए कि गोरखपुर में अभी और किसका, मतलब टेम्पो जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, किसका टेम्पो हाई है अभी? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि अगर अच्छा दल, सबसे ज्यादा लड़ने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में लड़ रही है, जनहित के मुद्दों पे लड़ रही है, हमारे छात्रों के हितों को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने लड़ने का काम किया, तो ये चीजें हो सकती है कि सपा का अच्छा प्रत्याशी है तो सपा मौका पाएगी, सपा को जनता मौका देगी, अच्छा काम। आप एक बात बताइए, आप चार बार के विधायक हम मानते हैं, आप चार बार विधायक है, लेकिन जल जमाव से मुक्त नहीं करा पाए। आज जाम के नाम पे पूरे गोरखपुर में आज जनता को खून की आंसू रो रहा है, पेट्रोल कितना महंगा है, डीजल कितना महंगा है, लोग परेशान है, घंटों घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। 2017 से पहले भी जब बात करते थे यही बातें आती थी, 2012 से पहले भी, आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, 12 और 17, आप उसके और पहले जाइए ना, सांसद कौन था, विधायक कौन था, नगरनिगम पे कब्जा किसका था, ये आप बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी कब्जा था ना सर, विधायक भाजपा का, सांसद भाजपा का, नगर मेयर भाजपा का, तब भी नहीं हो पाया, आखिर क्यों नहीं हो पाया? और ये आखिर काम होना चाहिए ना, अगर हमने अवकाश, ठीक है, आपने कहा कि सपा जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है, आई गेट योर पॉइंट, ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, आपने कहा कि सपा जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है एज अ कॉम्पिटिटर, बसपा का क्या हाल है? जी, बसपा कहीं कोई लड़ाई में नहीं है, बसपा है नहीं, अच्छा बसपा कहीं कोई दिखती नहीं, बसपा मतलब कहीं भी फाइट में नजर नहीं आ रही, उनके जो प्रत्याशी जो कैंडिडेट होपफुली जो होंगे वो नजर आ रहे हैं कहीं? अब हम तो जिला अध्यक्ष का नाम नहीं जानते, अब प्रत्याशी की बात हम क्या करें। अच्छा ठीक है, तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये थोड़ा सा अपने व्यूअर्स से ही बात कर लूं कि मायावती जी का इस बार क्या रणनीति उनकी रहने वाली है, ये दरअसल समझ किसी को भी नहीं आ रहा, क्योंकि मैं कई जगह की विधानसभाओं से बात करता हूं, लोगों से बात करता हूं, तो वो कहते हैं कि मायावती जी इस बार नजर नहीं आ रही है। अगर आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि मायावती जी ने 2021 में अगर लास्ट के फेज के जो 90 दिनों की बात करूं तो सिर्फ 3 चुनावी बैठकें करी हैं, 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, 1 रैली करी है, 1 रैली,
और ट्वीट्स किए हैं उन्होंने 120। तो मायावती जी का थोड़ा समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस बार उनकी चुनाव में रणनीति क्या है, या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बातचीत करी, लेकिन हाँ फिर भी। तो मायावती जी का मतलब अभी वहां पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या ऐसा तो नहीं है, क्योंकि उनके लोग कहते हैं कि हम लोग शांत रहकर काम करते हैं, 2007 में भी किसी को नहीं पता था कि हम आ जाएंगे, तो शायद इस बार कुछ ऐसा। जी शिवशंकर जी, देखिए अगर अगर इस पे कहा जाए शांत रह के काम करना है, तो एक हफ्ते में मुख्यमंत्री जी के जनपद में 7 दिन में 7 हत्याएं हुई, और बसपा जिससे दलित राजनीति करती है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की राजनीति करती है, उनकी हत्याओं पे ये लोग नहीं बोले, कौन सी राजनीति करेंगे ये लोग। अनिश कनौजिया की गला काट के हत्या कर दी गई, प्रियंका भारती मारी गई, तमाम हत्याएं ऐसे हुई दलित समाज की, कोई देखने वाला नहीं है। मतलब वाल्मीकि समाज की बेटी की हाथ रस में हुई। तो इस बार ये जो दलित समाज है, जो दलित वोटर्स है, जो कोर वोटर माना जाता है बीएसपी का, बसपा का, वो इस बार किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पूरी तरीके से जिसमें विश्वास है, जो जन जो काम किया, जिसने जनता के हितों की लड़ाई लड़ने का काम किया, जिसने सरकार रहते लोगों को लाभ देने का काम किया, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं किसने देने का काम किया, आज मेडिकल कॉलेज में 500 बेड बना हुआ है कोरोना वार्ड, ये किसने दिया था? इस बात को सोचना पड़ेगा, जनता जाने। समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला, हम कोरोना काल में, मैं तो खाना बंटवाया था, मैंने एक एम्बुलेंस देखा, समाजवादी पार्टी की सरकार में मिला था, लेकिन इसके बावजूद फिर बीजेपी का विधायक यहाँ कैसे चुन लिया जाता है? आप इस बात को नहीं समझ रहे, गोरखपुर शहर है ये आस्थावान है, मंदिर के नाम पे लोग वोट दे देते हैं, इस बार विकास के नाम। और एक बात सुन लीजिए, बहुत पॉइंट की बात सर मैं कह रहा था कि कोरोना काल में मैंने समाजवादी एम्बुलेंस को देखा, जो सबसे ज्यादा मदद किया, सबसे ज्यादा मदद किया समाजवादी एम्बुलेंस ने लोगों के बीच। और जनता चुन किसको रही है? देखिए जनता का एक मूड होता है, एक व्यवहारिक चीजें होती हैं, लेकिन इस बात को समझिए कि मंदिर के नाम पे सांसद विधायक बनते रहे हैं, और जनता गोरखपुर की जनता इस बार विकास पे वोट देना चाह रही है। ठीक है चौधरी साहब, ठीक है राजन आपके पास आता हूँ वापस, राजन चौधरी साहब भी हमारे साथ है। और वैसे शिवशंकर गौड़ साहब, ये तो कहा जाता है ठाकुरों की सरकार है, तो ठाकुर भी सारा बीजेपी की तरफ, हमसे कह रहे हैं? हाँ गौड़ साहब आपसे कह रहा हूँ, बिल्कुल आप पर आ रहा हूँ चौधरी साहब, आप पर आ रहा हूँ, वेट अ सेकंड। हाँ गौड़ साहब आपसे कह रहा हूँ, कहा जाता है ठाकुरों की सरकार है, तो सारा ठाकुर वोट जो है इस बार बीजेपी को ही जाता दिख रहा है। आप बताइए ना किसके, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना छात्रों के लिए काम किया, ना नौजवानों के लिए काम किया, ना महिलाओं के लिए काम किया, किसी जाति वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। किसी जाति वर्ग विशेष के लिए काम नहीं किया। देखिए मैं मानता हूँ सभी जातियों का एक सम्मान होना चाहिए, सारे वर्गों का सम्मान होना चाहिए। भाजपा सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वर्ग तक का काम नहीं किया, मतलब अपने वर्ग का, ये बात समझिए, अपने जिस वर्ग के हैं मुख्यमंत्री जी, ठीक है मुख्यमंत्री जी, ठीक है राजन चौधरी साहब। हाँ ये हो सकता है कि जी नहीं, वो महंत हैं, चलिए ठीक है। राजन चौधरी साहब, चौधरी वोटर इस बार किस तरफ जा रहा है? चौधरी वोटर तो सपा की तरफ ही जाता दिखता है, तो सपा की तरफ ही है या फिर इधर उधर? राजन चौधरी साहब चलिए ऑडियो को फिक्स कराएगा जरा, राजन चौधरी साहब के पास हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसको ऑडियो को फिक्स करवाएंगे, तब तक शिवशंकर गौड़ जी हमारे साथ बने हुए हैं। तो शिवशंकर गौड़ जी, बाकी चुनाव से पहले एक और चीज है जो मैं हर किसी से पूछता हूं, वो ये है कि 5 साल तक कई तरह के मुद्दों पर बातचीत होती है, मुद्दों मुद्दों की राजनीति होती है, लेकिन चुनावों से बिल्कुल पहले ये जो रैलियों की जो एक बयार आती है, रैलियां ताबड़तोड़ होती हैं और रैलियों के जरिए नए मुद्दे दिए जाते हैं, जैसे जिन्ना का मुद्दा दिया गया, आजकल ABCD समझाई जा रही है, बीजेपी का फुल फॉर्म क्या है ये समझाया जा रहा है, SP का फुल फॉर्म क्या है ये समझाया जा रहा है, तो ये जो रैलियों के जरिए जो माहौल क्रिएट किया जाता है, जो नए मुद्दों को जन्म दिया जाता है, क्या लास्ट मोमेंट पर ये कुछ हवा चेंज करने का काम करेंगे? देखिए पूरी तरीके से, और आपके आपने जितने बात किया कि बहुत सारे जिन्ना आप ला दिए, बाकी चीज ला दिए, आपने केशव मौर्य जी का बयान नहीं देखा कि एक संवैधानिक पद पे होकर कैसे वो एक धर्म विशेष की बात करते हैं? आपने मुख्यमंत्री की बातों को नहीं कहा जैसे एक धर्म एक विशेष की बात वो करते हैं? आप देखिए, आप एक संवैधानिक, सुनिए एक मिनट, आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, आप एक आम जनता के
तरह तरह से यहाँ पर बैठे हुए हैं आम जनता की तरह, तो मैं उस लिहाज से आपसे बात कर रहा हूँ। आप अगर प्रवक्ता होते तो मैं आप उस तरह से बात करता, आप प्रवक्ता नहीं है ना। नहीं बिल्कुल है, तो बिल्कुल मैं जनता के नाते बैठा हूँ। जैसे हमको नहीं मैं जनता हूँ, मैं पहले एक आम नागरिक हूँ इस देश का, मुझे क्या चाहिए। मैंने आपसे एक ऊपरी लेयर की बात कही, मैंने आपसे सपा बीजेपी बसपा शिवशंकर जी एक सेकंड, मैंने आपसे कोई बीएसपी बीजेपी सपा वाली बात नहीं कही। मैंने आपसे कहा कि आखिर में जो रैलियां होती हैं चुनाव से पहले, ये जो नया माहौल क्रिएट करती है, तो क्या इससे कोई नई हवा देखी जा सकती है? इट्स नॉट अबाउट एसपी, इट्स नॉट अबाउट बीएसपी, इट्स नॉट अबाउट बीजेपी। मैं नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं नहीं बोल रहा, आप ही सुन रहा हूँ, मैं आप ही सुन रहा हूँ। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, तो ये जो चुनावों से पहले जो रैलियों का दौर चल रहा है, अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम पार्टी आलाकमान के बड़े लीडर्स कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि गोरखपुर विधानसभा में इसका कुछ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? जो एक महीने पहले या दो महीने पहले की बात करें तो उससे थोड़ा अलग है। आप बात अपनी दोहरा दीजिए सर, आवाज तो नहीं आ रही थी सर। मेरा कहने का ये मतलब है कि जो चुनावों से जस्ट पहले, चुनावों से बिल्कुल पहले जो रैलियों का दौर शुरू होता है, अखिलेश यादव भी रैली कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में क्या गोरखपुर विधानसभा में दो तीन महीने पहले जो माहौल था उसमें कुछ बदलाव नजर आ रहा है? चलिए ठीक है, शायद उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, इस ऑडियो को फिक्स करवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हमारे संवाददाता मृत्युंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृत्युंजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका। मृत्युंजय जी अभी हम बात कर रहे थे, दरअसल आम दर्शक आम लोग हमारे से जुड़े हुए थे, वो तमाम समस्याएं बता रहे थे कि किस किस तरह की समस्याओं से गोरखपुर विधानसभा जो है वो इस वक्त जूझ रही है। तो थोड़ा सा जमीनी हाल, क्योंकि आप सबसे विश्वसनीय सूत्र हैं हमारे लिए, तो आप थोड़ा सा जमीनी हाल बताइएगा कि जमीनी हाल क्या है इस वक्त गोरखपुर विधानसभा का। ठीक है, मैं एक बार फिर अपना जो क्वेश्चन है उसको रिपीट कर देता हूँ अपना क्वेश्चन। चलिए ठीक है, मृत्युंजय जी को जोड़ेंगे, ऑडियो फिक्स करेंगे, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम या कनेक्टिविटी की कुछ प्रॉब्लम है। तो आज हम बात कर रहे हैं गोरखपुर विधानसभा की, मेरा गांव मेरा देश यूपी एडिशन में। तो ऐसे में आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि गोरखपुर विधानसभा जो कि सीएम के इतनी करीब पड़ती है, ऐसे में क्या कुछ कहती है, इसको जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर राजन चौधरी को लीजिएगा जरा ऑन एयर, राजन चौधरी जी से बात करेंगे। तो राजन चौधरी जी, मैं ये कह रहा था आपसे, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, मैं ये कह रहा था कि अब जो चुनावी रैलियां हो रही हैं, चुनावी रैलियों जो चल रही हैं, तो ऐसे में जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, अखिलेश यादव भी रैलियां कर रहे हैं, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स भी रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, क्या वो माहौल असर डालेगा, प्रभाव डालेगा गोरखपुर विधानसभा पर, जो दो तीन दिन महीने पहले की बात करूं, दो तीन महीने पहले नहीं दिख रहा था, अब वो दिख रहा है? देखिए, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है रैलियों का दौर बढ़ जाता है, बसपा अलग करती है, सपा अलग करती है, बीजेपी अलग करती है, सबसे ज्यादा खतरा जो है महसूस जो है बीजेपी को हो रहा है, क्योंकि जो पिछले के ये दो टर्म्स बीते हैं, दो कोविड के टर्म्स हैं और समस्याएं हैं, इन सबों को लेते हुए सबसे खतरा कि तभी वो अपने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ बुला रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी दो दौरा कर चुके हैं यहाँ का, जेपी नड्डा साहब हो गए, चाहे ये सदन देव सिंह साहब हो गए, ये लोग आकर के यहाँ लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, यानी सबसे ज्यादा खतरा उन्हें दिख रहा है। ठीक है, और अभी अखिलेश यादव जी की भी तो कोई रैली यहाँ नहीं हुई है, लेकिन वो भी है मुख्यमंत्री के काफी करीब है ये सीट, गोरखपुर मुख्यमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है, तो गोरखपुर विधानसभा, गोरखपुर शहर सीट, तो ये तो फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ता होगा। अब आपसे बताऊं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए थे, तब जब यहाँ सांसद का चुनाव हुआ था, तो यहाँ पे एक अननोन पर्सन इंजीनियर प्रवीण निषाद जो है वो सपा से जीते थे, ठीक है, उस समय भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर था, और उसके बाद से फिर ये माननीय सांसद जी जो आए हैं रवि किशन शुक्ला जी, इन्हें जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया गया,
तो इस बार भी जनता ही जवाब देगी, और इस बार हमारे हिसाब से आंखें खुल चुकी हैं जनता की, अब वो सही प्रतिनिधि चुनेगी। चलिए ठीक है, तो गोरखपुर विधानसभा की बात कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने का। गोरखपुर विधानसभा का क्या जमीनी हाल था, क्या समस्याएं हैं और क्या समाधान हो सकता है, इसको लेकर बातचीत कर रहे थे। साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे थे कि गोरखपुर विधानसभा में जो कामकाज है वो कितना दिख रहा है, या सिर्फ किताबों में दिख रहा है, किताबों में ना दिखकर प्रैक्टिकली जमीन पर कितना दिख रहा है, इसको समझने के लिए हमारे साथ दो दर्शक जुड़े हुए थे जो कि बिल्कुल रैंडम थे, आम लोग थे जिन्होंने अपनी बातचीत रखी और इस कार्यक्रम में हमारी मदद की समझने में इस विधानसभा को और ज्यादा करीब से। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद।